जी बिल्कुल, मैं से मौजूद हूँ तांदल्या वाला में। सरकारी सतह पे शहरियों को फ्री आटा देने के लिए जो आटे का पॉइंट्स कायम किए गए, अगर बात की जाए इंतजामात की, तो यहाँ पे पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। सीपीओ फैसलाबाद ने आज तांदल्या वाला का विजिट किया। इस मौके पर सीपीओ फैसलाबाद ने पुलिस को हिदायत दी कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाए। अगर दूसरी तरफ बात की जाए, असिस्टेंट कमिश्नर तांदल्या वाला ने भी आज आटे के जो पॉइंट्स हैं इनका विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर तांदल्या वाला राणा औरंगजेब का कहना था कि यहाँ पे शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात मुहैया देने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक नज़र आ रही है। अगर बात की जाए रेस्क्यू की, तो रेस्क्यू के अहलकार भी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू की जानब से यहाँ पे शहरियों को तिब्बी इमदाद देने के लिए कैंप भी लगाया गया। अगर दूसरी तरफ बात की जाए वार्डन पुलिस की, तो वार्डन पुलिस के अहलकार भी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। इंतजामिया की जानब से शहरियों को सायादार जगह के लिए बैठने के इंतजाम किए गए। और असिस्टेंट कमिश्नर तांदल्या वाला का कहना है कि 20 मिनट का प्रोसीजर है, जिसके अंदर एक शहरी को मुकम्मल प्रोसीजर अडाप्ट करने के बाद फी खानदान आटे के 3 थैले दिए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तांदल्या वाला का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि वो नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करें और इंतजामिया के साथ तावन करें, ताकि फ्री आटा हर शहरी को आसानी से मिल सके। जी